कुलपति आदित्य शास्त्री ने उन्हें अवलोकन करवाया। कला मंदिर में शास्त्रीय संगीत को सुन निशंक मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान कुलपति भी पोखरियाल के साथ मौजूद रहे और ये तस्वीरें भी जहां पर किस तरीके से इस दीक्षांत समारोह के मौके पर हिस्सा लेने के लिए साहित्य जो है निशंक वो पहुंचे। देश विदेश में हिंदी विभागों में हिंदी साहित्य में पढ़ा जाता है। जब ये बात सामने आई तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई। मैंने वनस्थली के हिंदी विभाग के साथियों को बुलाया। मैंने कहा भाई आपका कविता का जो पाठ्यक्रम है वो मुझे बताइए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक समकालीन कविता नामक जो प्रश्न पत्र है जिसमें कि गोपालदास नीरज दुष्यंत कुमार जो अभी पिछले 30-40 वर्षों के कवि रहे हैं उनकी कविताएं पढ़ी जाती है और उसमें ऑलरेडी अभी से ही भाई निशंक जी के कुछ काव्य संग्रह पढ़ाए जाते हैं वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है और वो मैं लिख देता हूं। एक कोई मुश्किल नहीं आपका एक काव्य संग्रह है जिसमें संकल्प लिया इंसान ढूंढो कहां है दुनिया में फिर आदि कविताएं पाठ्यक्रम का हिस्सा है। संघर्ष जारी है आपका एक कविता संग्रह है जिसमें कंधार की आंखों पर पट्टी कविता है वो हिंदी विभाग के उस समकालीन कविता पाठ्यक्रम में शामिल है महोदय। और मातृभूमि के लिए आपका जो एक कविता संग्रह है उसमें से आपकी एक चुनिंदा कविता भारत देश महान है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उसके बाद मैंने साथियों से पूछा कि भाई कुछ शोध भी आप लोग करते हैं इस दिशा में तो उन्होंने कहा हां एमफिल स्तर पे और पीएचडी स्तर पे भी कुछ विषयों पे शोध चल रहा है और कुछ पे अभी शुरू होने वाला है प्रस्तावित है। उसके कुछ टाइटल मैं आपके सामने रख देता हूं। रमेश पोखरियाल निशंक के साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन एक समाजशास्त्र की दृष्टि से आपके साहित्य को अध्ययन मनस्थली में किया जा रहा है। निशंक के काव्य में राष्ट्रवादी स्वरों का अध्ययन मानवीय अस्मिता के परिप्रेक्ष्य में रमेश पोखरियाल निशंक के काव्य का अनुशीलन आदि कवि टॉपिक्स पे यहां पे एमफिल में काम हो रहा है या होने वाला है और पीएचडी में काम शुरू हो रहा है। और जैसा मैंने कहा आपके कहानी संग्रह रोशनी की एक किरण बस एक ही इच्छा क्या नहीं हो सकता भीड़ साक्षी है एक और कहानी इत्यादि इत्यादि बेटा लिस्ट 3-4 पेजेस लंबी है और मैं कहां तक इसको पढ़ता रहूंगा। बहुत ही ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने लंबे और इतने व्यस्त अपने सार्वजनिक जीवन के अंदर इसके बावजूद आपने इतना सृजन का कार्य इतना लेखन का कार्य करने का समय निकाला। बहुत ही अद्भुत बहुत ही अविश्वसनीय सी कहानी मेरे को प्रतीत होती है। और ऐसा ही नहीं कि आपने बहुत सारा काम कर दिया हो आपके काम को बहुत सराहना मिली कई जगह। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ आपने नाम सुना हो मॉरिशस के पहले पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने लिखा है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहित्यिक विधाओं का बेजोड़ संगम है। उनकी कविताएं जहां एक और आमजन को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ती हैं वहीं उनकी कहानियां पाठकों को एक आम आदमी के दुख दर्द व यथार्थ से परिचय कराती है। रस्किन बॉन्ड ने कहा उनका लेखन राष्ट्र और लोगों को आपस में जोड़ता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है मैंने डॉक्टर निशंक की महान कृति है वतन तेरे लिए को पढ़ा समझा और उसका मनन किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिमालय से निकली निशंक की गंगामयी काव्यधारा राष्ट्र के निर्माण में नींव का पत्थर बनेगी। एक बार गौर से सुनिए दोबारा से ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिमालय से निकली निशंक की गंगामयी काव्यधारा राष्ट्र के निर्माण में नींव का पत्थर बनेगी। फिर हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने भी कहा है कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निशंक जी की काव्य की प्रतिभा से अभिभूत हूं। श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है अपने साहित्य सदन से डॉक्टर निशंक ने समाज को कुछ नया देने का प्रयास किया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि निशंक जी अपने लेखनी के जरिए देश के नीति नियंताओं के समक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर अनेक अनेक प्रश्न खड़े करते रहेंगे। और अंत में स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी जिनका वनस्थली से बहुत नजदीकी का संबंध था आपका पारिवारिक संबंध था उन्होंने कहा डॉक्टर निशंक राष्ट्रीयता के उदीयमान नक्षत्र हैं जिन्होंने देशभक्ति से बहुत कई पुस्तकें लिखी हैं साथ ही इस धारा की निरंतरता एवं पवित्रता को बनाए रखने राष्ट्र धर्म को बढ़ाने
वह उसके संवर्धन तथा संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, जिसे डॉक्टर निशंक बखूबी निभा रहे हैं। मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई निशंक जी का वनस्थली परिवार से परिचय आप तो अभी नंगी हैं, 20 साल से भी ज्यादा पुराना है। आप वनस्थली की कहानी को अच्छी तरह जानते हैं। एक माता पिता ने अपनी होनहार पुत्री को खोया और फिर सब ये प्रण लिया कि बाकी सभी पुत्रियां भी हमारी जैसी हैं और उनको हम उसी तरह प्रशिक्षित करेंगे। यह उस दौर की बात है जब महिला शिक्षा न के बराबर थी। शास्त्री जी घर घर जाकर बालिकाओं को वनस्थली लाए और फिर घर घर जाकर चंद्रा एकत्रित किया ताकि विद्यापीठ के कार्यकलाप चलते रहे। 8 दशक पहले उस मामूली शुरुआत से आज विद्यापीठ का स्वरूप आपके सामने है। आपने सत्र 13-14 में आगमन के पश्चात भी विद्यापीठ ने त्वरित गति से विकास किया है और उस समय के मुकाबले आज छात्राओं की संख्या लगभग 1.5 गुनी हो गई है। इसके अलावा अनेकानेक नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं, जिसमें स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज है, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बैंकिंग है, स्कूल ऑफ ऑटोमेशन है जिसका भी आपने अवलोकन किया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है आदि अनेकानेक नए विभाग और नई परियोजनाएं यहां पे आरंभ हुई है। धीरे धीरे अब विद्यापीठ के कार्यकलापों की पहचान भी बनने लगी है और विश्व स्तर तक हमारे काम को मान दिया जाने लगा है। सबसे पहले ये कार्य आरंभ हुआ था 5-6 साल पहले, जब इंडिया टुडे में हमारी रैंकिंग आई थी और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए मौजूदा रैंकिंग वनस्थली विद्यापीठ की पूरे देश में विश्वविद्यालय के रूप में 11वें नंबर पर है और निजी विश्वविद्यालयों के रूप में 2 नंबर पर है। फिर सत्र 2016 में फिक्की ने वनस्थली विद्यापीठ को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर घोषित किया था। उसके बाद QS, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो सबसे मान्यता प्राप्त रैंकिंग देता है विश्व में, उसने वनस्थली विद्यापीठ को ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में, ब्रिक्स रैंकिंग में अपना स्थान दिया और वो एक रैंकिंग के अलावा रेटिंग भी देते हैं, उसमें वनस्थली विद्यापीठ को 4-स्टार रेटिंग प्राप्त है और भारत के किसी भी विश्वविद्यालय को 4-स्टार से ज्यादा रेटिंग प्राप्त नहीं है। और 5 ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें वनस्थली विद्यापीठ को बेस्ट पॉसिबल सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दी गई है, जिसमें टीचिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्ट एंड